हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाइकराम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर कैनवस ऑल ब्लैक एडिशन, जैसा कि आप इसके सामने है। तो इसका जो है दोस्तों शॉर्ट वीडियो भी हमने डाला है, आप देख सकते हैं। और ये है फुल रिव्यू दोस्तों, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में आपको बताएंगे, बाकी फिर डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों i3s टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे 13% का फ्यूल एफिशिएंसी होता है। माइलेज आपको ये ज़्यादा देगी 13% का दोस्तों। फिर इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बाइक में आपको ऑटो सेल सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। ऑटो सेल जैसा कि बाइक चल रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं क्लच भी छूटा है और फर्स्ट गियर में बाइक है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका अलाइनमेंट चल रहा है, यानी कि इस बाइक में आपको एक्सेलेरेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो सेल फीचर है, क्लच आप छोड़े रहेंगे बाइक आपकी 2 से 3 गियर में रहेंगे, फर्स्ट गियर में भी, तो भी आपकी बाइक चलती रहेगी। ये फीचर डीजी एंड एनालॉग डिजिटल और एनालॉग आपको क्लस्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन। RTMI यानी कि जो है एवरेज इंडिकेटर आपको मिलता है, जैसे कि बाइक कितने किलोमीटर का एवरेज दे रही है, ये आपको इस बाइक में बताएगा। ये फीचर बहुत बेहतरीन कंपनी दिया। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक चल रही है गियर में है, और जैसे ही हम यहां पर साइड स्टैंड लगाते हैं बाइक बंद हो गई, तो ये साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन फीचर मिलता है, जो कि बहुत बेहतरीन है। जैसे 180 mm का हैवी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिससे ऑफ रोड खराब सड़क पर, कच्ची सड़कों पर अगर आप बाइक चलाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है दोस्तों। ये फीचर बहुत ही अच्छा है। बाइक में आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, वो भी 6 होल के साथ, यानी 6 होल्स इसमें आ गए हैं, जिससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस इंजन में मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों 5 गियर आपको इस बाइक में मिलता है, ये सबसे बेहतरीन है। और माइलेज की अगर बात हो तो 68 का माइलेज आराम से बाइक दे देगी, 68 का माइलेज आपको ये बाइक देगी दोस्तों। उसके बाद 125 cc का इंजन आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस के साथ माइलेज के साथ आपको मिल जाता है। अब अगर दोस्तों फ्रंट के टायर की बात करें, तो यहाँ पर आपको TVS के 8018 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। ड्रम और डिस्क 2 वेरिएंट आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सस्पेंशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको रिफ्लेक्टर के साथ मिल जाता है। वहीं अगर रियर सस्पेंशन की बात करें, तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कम्फर्ट आपको मिलता है। और अगर सीटिंग की बात करें, तो काफ़ी सुपर कंफर्ट आपको मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। सुपर इंजन आपको मिल जाता है और सुपर माइलेज आपको इस बाइक में मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन। सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग आपको मिल जाता है, इंजन आप देख ही रहे हैं। और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। इस बाइक में आपको डिजिटल मीटर विथ इंडिकेटर के साथ मिलता है, यानी कि एवरेज इंडिकेटर भी आपको मिलता है, ताकि ये बाइक आपको बताएगी कितना एवरेज ये बाइक दे रही है दोस्तों। साइड स्टैंड का सेंसर, न्यूट्रल, i3s एफआई लाइट, एच का लोगो, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और मोबाइल चार्जिंग के भी आपको इसमें यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड के हैंडल बार की बात करें, तो यहाँ पर पासिंग बटन, हाई लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न मिल जाता है। वहीं राइट हैंडल बार की बात करें, तो सेल्फ और i3s स्विच मिल जाता है, और 13% फ्यूल एफिशिएंसी आपको i3s फीचर से मिल जाता है। वहीं अगर सीट की बात करें, तो काफ़ी कंफर्ट सीट आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिलियन सीट मिल जाती है, 2 से 3 सवारी आराम से बैठ सकते हैं। और वहीं अगर आप फ्यूल टैंक देखेंगे, तो सुपर स्प्लेंडर की यहाँ पर 3D की क्रोम फिनिशिंग पर ऑल ब्लैक डिज़ाइन में आपको मिलेगा, और 12 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, यानी कि 12 लीटर इस बाइक में पेट्रोल आएगा। और जो काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन में फ्यूल टैंक आता है, आप देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर का। और इधर भी आपको सुपर स्प्लेंडर की ब्रांडिंग 3D की क्रोम फिनिशिंग पर ऑल ब्लैक बाइक पूरी मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ऑल ब्लैक सुपर स्प्लेंडर कैनवस एडिशन है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन माइलेज के साथ 68 यानी कि 68 का माइलेज 125 cc की सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट बाइक है, जो कि 125 cc की सेगमेंट में 125 cc के इंजन में अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा एवरेज और सुपर कम्फर्ट सुपर माइलेज आपको इस बाइक में मिलता है। सुपर स्प्लेंडर का 3D का क्रोम फिनिशिंग काफ़ी सुपर स्टाइल मिल जाती है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर i3s आपके पैनल पर मिल जाता है। पीछे के पैनल पर अगर आप देखेंगे, तो एच हीरो का लोगो और एच के साथ आपको 3D की क्रोम फिनिशिंग पर आपको मिल जाती है। और बाकी इसके चैन कवर की बात करें, तो फाइबर के चैन कवर मिल जाता है, जिससे आपको लो मेंटेनेंस आपको मिलता है, ताकि आपका खर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा। ये फीचर बहुत बेहतरीन है। पीछे का टायर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 8018 के ट्यूबलेस टायर आपको पीछे भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ड्रम ब्रेक 130 mm का आपको मिल जाता है, फ्रंट और रियर सेम। टेल लाइट आपको बल्ब वाली, इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाले मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी स्टाइल के साथ बाइक देख सकते हैं आप। अगर फ्रंट की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 35 वाट का हेलोजन बल्ब आपको मिल जाता है, विथ क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन लुक आपको मिलेगा। एस का 3D का लोगो मिल जाएगा, विंड भी काफ़ी हैवी मिलती है, और लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाइक दिखेगी, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टाइल में।
और उसके बाद इंडिकेटर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाले ही मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्टाइल लुक में आती है। मना किया है तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो अपने नियर डीलरशिप पर हीरो की एजेंसी पर विजिट करें और इसकी जो है बेस्ट ऑफर भी आपको मिल जाएगा और इसकी प्राइस भी आपको वहां पर एग्जैक्ट मिल जाएगी विथ एसोसरीज के साथ, यानी कंप्लीट बाइक आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें।